साल का आज आखिरी दिन 2016 का अंतिम दिन देख रहे हैं आप बंदर भूत किस तरह झोले में टूट पड़े हैं बेचारे, निकाल रहे हैं निकाल रहे हैं। एक साहब ऊपर आगे देखिए फेंको फेंको निकाल दो, गाड़ी से उतरना मुहाल है। ये देखो हट हटो भैया गाड़ी, अरे ले 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 तुम ले ले खा लो खा लो खा लो खा ले ले ये टूट पड़े ये लूट। देखो भाई गाड़ी ना गिरा दे, हटो हटो देखो सब सब के सब गाड़ी में लग गए, हटो जरा हमका झोला तो निकाल दे दो भाई, देखो देखो हटो हटो झोला निकाल दे दो, पहले हम झोला जरा रुक जाओ कंधे में पहले झोला तो ले नहीं रुको रुक जाओ हटो 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 ऐसे हाँ अब झोला टांग लिया ठीक ये टांग लिया हाँ अब ले खाओ ये देखो ये खाओ ले माल बहुत है आज हम बैठ जाए तबे काम बने ले खा लो ले कहीं जरा दिखा दे एक मिनट के लिए खड़े ना रहो ले हाँ। अरे नहीं हम आए थे ना, अरे तुम ना भागो यार हम हैं, अगर तुमसे बंदर बोले 1,00,000 हम तुमका स्कूटर रिक्शे दे देंगे। अरे हमरे आप हम मौजूद हैं ना, बस ऐसे दिखाओ ऐसे खाली दिखाओ आगे उंगली ना लगा देखिए अरीसी लगा हाँ बस ठीक ऐसे आ जाओ करीब आओ हम मौजूद हैं, अगर कोई बंदर बोल दिए छुई तुमका छुई भर लिए आओ चले आओ चले आओ हम तो बहुत साफ फोटो आपका आ रहा है फोटो बहुत साफ आ रहा है आपका वोट का मोदी जी के नाम से 2014 से वोट चल रहा है रोजाना यहाँ और यहाँ भवरेश्वर में और बांस बरेली में, अयोध्या में अभी तक चलता था लेकिन वहाँ रुक गया, देख रहे हैं चले आए। ये हनुमान जी की भक्ति है, अच्छा दुनिया वालों ये हनुमान जी की भक्ति है। आज हमने उसमें ट्विटर पर लिखा है कि जो जिस पशु पक्षी की आप जान लेते हैं क्या उसने भी कभी आपकी जान लेने के लिए सोचा है? नहीं सोचा है। जरा इंसान बन जाओ, मनुष्य बन जाओ और मनुष्य बन गए इंसान बन गए उससे बड़ी न कोई इबादत है और न ही कोई पूजा है और कोई भगवान पूजा नहीं चाहता है। बजरंग बली क्या चाहते हैं? उनको लड्डू दिखाओ और खुद खेल के बैठ जाओ, बोलिए आप हम यहाँ या ना क्या जाते हैं बजरंग बली यही चाहते हैं। कितना नन्हा सा बच्चा है, चले नीचे दिखाइए जहाँ मुगली दिखाए हैं, छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा बच्चा तो यही है। दुनिया वालों सीखो करो बटबकाओ मत। इन्होंने कहा हुजूर ने फरमाया और राम बोले और हनुमान जी सुने, नाटक मत करो काम करो। आखिर इनसे हमारी दोस्ती हो गई कि नहीं हो गई? भाई भी हो गई दोस्ती, क्यों हो गई भाई? है कोई हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कोई खानदान के हैं, है दोस्ती हो गई हमारी? और हम हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाए हैं, दुनिया में मार काट मची हुई है, इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों के सीना काटता है कि तुम इंसान कहाँ हो? अरे पहले दुनिया वालों इंसान बनो, इंसान किसे कहते हैं ये जानो। तो बकरी भी यही लगे, बकरी भी आई लगे दूर दूर देखते हैं, हमारे डर तो सब नहीं आ पा रहा। ऐसे काम में पैसा लगा हुआ है, ऐसे काम में गाड़ी, हमको अपने शौक हम क्या करेंगे आपकी गाड़ी लेके? इस काम के लिए तो आप गाड़ी दे सकते हैं। अरे एक स्कूटर मिली है, ऊपर से टना टन है, भीतर से खाना खन है, बेकार है। कहीं ये गड़बड़ी कहीं वो गड़बड़ी है, लोगों ने एहसान भी सुना दिया, लगा नहीं नहीं हम ले ही वो हमारी अरब कंट्री वाले मदद कर।
हाथ ले जाओ, हाथ ले जाओ यार, टीका बढ़ा ले जाओ जल्दी से। बढ़ाओ उधर उधर ज़्यादा देखा कि देखते कुछ बकरी पड़ रही है। आगो उधर आगो जल्दी से, अरे बकरी को ले जाओ यहाँ से यार। आगो उधर जल्दी, नहीं घर में हम ले जा रही। अरे भैया हाथ ले, हम खड़े हैं यार। बच्चे लोग बैठ जाए गुरु जी के पास। अब ये लोग बेचारे यहाँ आप लोग छात्रावासी के हैं ना। हाँ सब चीज बच्चे लोग हैं, सहयोग मिलता है, इनमें मानवता है। कभी इन्होंने इतराज नहीं किया, बाबा जी ये मत करो, बाबा जी वो मत करो। बड़ा इसने देते हैं, बड़ा प्रेम व्यवहार रखते हैं। अरे ये कहाँ से आ गई? भैया दिखाओ चार बकरी इधर। कहने का मतलब यही है कि हमारा लोगों से यही कहना है, ला कहो सब सुनेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे हनुमान जी के नीचे लड्डू दे करके। क्या कहें ऐसे लोगों को, हनुमान जी पत्थर के हनुमान जी हो गए, लड्डू खाने लगे, वो सोना आपसे लेने लगे। सोने का मुकुट चढ़ाते हैं हम साईं बाबा में जाके। पहले साईं बाबा ने जो किया था आप वही करो, तब साईं बाबा मंदिर जाओ। यही मैं कहता हूँ, मंदिर मंदिर मंदिर, पहले मनुष्य तो बनो, पहले मनुष्य बनो फिर मंदिर की बात करो। और अगर मनुष्य बन गए तो मंदिर की जरूरत नहीं। जो भगवान की बनाई जितने प्राणी हैं इन्हीं की सेवा करो, हमको उन्होंने सेवा के लिए भेजा है। हमारे यहाँ का कानून है कि बैंक मैनेजर के यहाँ जाओ, मार हारमोनियम करताल लेके बजाओ, बैंक मैनेजर की जाए, बैंक मैनेजर की जाए, एक फूटी कौड़ी नहीं दे। और बैंक में मेहनत करोगे, पैसा जमा करोगे, तो बैंक मैनेजर के बाप को पैसा देना पड़ेगा। क्यों भैया सही कहा ना, उसको देना पड़ेगा। क्या हो रहा है हमारे देश में, ये पार्टी वो क्यों पार्टी, तमाम जातियों में लोगों को बांट दिया गया। अरे नेता वही है जो नाम के आगे से जात को हटावे, जातवाद बिल्कुल खत्म करो। आरक्षण उसको दो जो जिसको जरूरत है, जो गरीब है उसको दो। जातवाद क्या है, हम मनुष्य होकर के अरे ये पता नहीं देश कैसे चल रहा है, हमको ये बड़ा अच्छा। अब मोदी जी से उम्मीद है कि वो समता ला रहे हैं। अभी शुरू शुरू में तो लोगों को बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन वो समता ला रहे हैं। गरीब अमीर का वो फर्क बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, अब 5 करोड़ के लड़की की शादी कर रहे हैं, उन्हीं के पड़ोस में एक गरीब लड़की बैठी है, उसके माता पिता नहीं हैं, उसके ऊपर 5,000 भी नहीं खर्चा कर रहे हैं। मनुष्यता कहाँ है दुनिया वालों, मनुष्य बन जाओ। अरे बदमाशी मत करो, मनुष्य बन जाओ, और नहीं अगर बनते हो तो तुम में एक जानवर में कोई अंतर नहीं है। आज साल का अंतिम दिन है, इस समय 5:30 बज रहे हैं, कल नया साल होगा। नए साल में तो कम से कम लोगों कसम खाओ कि हम मनुष्य बन जाएंगे, जातवाद खत्म करो, अमीरी गरीबी का भेदभाव खत्म कर दो, मज़ा आ जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्याम साधु रायबरेली से बोल रहे हैं। ट्विटर पर आज हमने बड़ी अच्छी बात डाली है, हमारे ट्विटर पर जरूर पढ़ लिया करें। और क्या है कुछ है फेसबुक आप हमारा खोलेंगे अनोखा साधु, तो उसमें सब पता आपको मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा। अरे हम तो हम एक संदेशवाहक हैं, हम कोई बाबा बाबी नहीं हैं, हम कोई पेशेवर नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके आज पूरी वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं। चाहे आप जितने बड़े हुजूर नेता हों और चाहे जितने बड़े आप महात्मा हों, एक मिनट लगेगा हमको बोल की बंद करने का है। वे हुजूर ये बताइए आपने किया क्या है, आपने जीवन में क्या किया, क्या किया है ये बताओ। हमें ये मत बताओ कि ब्रह्मा जी की अम्मा की अम्मा की अम्मा की उनके नानी की भौजी के नाम क्या था, ये चूतिया मत बनाओ।
बताओ आपने खुद से क्या किया है जिससे हम आपको मनुष्य मानते, हम आपको मनुष्य कहें। तो आज की तारीख जो है अंतिम आज दिसंबर का 31 तारीख है, संध्या वेला है, उधर दिखाइए चिराग बत्ती जल चुकी है। यही मैं कहता हूँ, मन इधर फिर इधर दिखा दीजिए, मंदिर 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 का भी आधा माल पड़ा है, भेज देंगे जाके लोगों को। तो मंदिर मस्जिद दिमाग से निकालो, पहले मनुष्य बन जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कितना छोटा सा, नन्हा सा, देखिए कितने छोटे से हैं इस जाड़े में बेचारा, देखिए कैसे रोटी खा रहा है। ये विजय गद्दा वाले रोटी भेजते हैं, वही उनसे कहते हैं भैया आप गेहूँ भेज दिया करो, रोज़ इनको तुम्हारा सामान मिले, हफ्ते में एक बार आप तो नहीं खाते, आप तो रोज़ खाते हो, तो जब इतना कर रहे हो तो गेहूँ भेज दो, कम से कम हो सके तो भुजवा दो, नहीं तुम कच्चे भेज दो, कच्चा गेहूँ खाएंगे। ये देख रहे हैं कितने छोटे छोटे से खा रहे हैं, कितने छोटे छोटे से खा रहे हैं। देखिए जय श्री राम, जय श्री राम है। अरे इनकी सेवा करो यारो, अब तब बोलो जय श्री राम है ना, है? मंदिर में बैठे हैं, कब कंटोपा लगाया क्या मंदिर, अब चमचमाता हुआ सब घंटा पीतल का टंगा हुआ है, तिलक लगाए बैठे हैं, अब बंदर यहाँ भूख से मर रहा है। कितना छोटा सा नन्हा सा, देखो ये देखो कितना छोटा सा बच्चा, देखिए कितना छोटा सा है, है? अरे ये तो हनुमान जी के अंशज वंशज हो गए ना, लेकिन तुमने मंदिर में जिनको बैठा रखा है वो हनुमान जी के वंशज नहीं हैं, वो तुम्हारे हाथ की एक कलाकारी है, वो तुम्हारे वंशज मान लीजिए आप उनको, असली हनुमान की सेवा। ये देखिए छोटा सा, ये देखिए नन्हे से हैं, जाड़ा पड़ रहा है, देखिए कैसा कैसा लेके भागा वहाँ। अब हम कैमरे को बंद करेंगे और क्या नाम, शाम का समय है, देखिए सब जाड़े में बैठे यहाँ वहाँ वहाँ, अब हम काफ़ी दूर दूर तक माल बचा है, इनको जाके अभी हम बांटेंगे, ठीक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने कहा थोड़ा इतना और बढ़ा के बना दे, थोड़ा देख तो दे कम से कम, आप कुछ सीखो समझो करो, हम तो नहीं कह रहे हैं कि वो अब कथा सुनिए 200,000 लाइए, अरे क्या बताऊँ मैं, पकड़ के बाल तुम्हारे हम सर को पटक दें दीवार पर, कथा सुनाते हो, ये कथा सुनाओ मत, कथा दिखाओ, कथा कहने वालों पहले ये करके दिखाओ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हें वो रास्ता बताते हैं, ये मरने के बाद तुमको इनकी जगह नहीं आना पड़ेगा, अच्छा चूना तो बहुत लगेगा, सुन के बड़ा बुरा लगेगा आपको, है ना, खूब गालियाँ मन में दोगे, गाली मत दो वरना कीड़े बनोगे, जख्म के कीड़े बन जाओगे, सड़ा मांस खाना पड़ेगा तुमको। श्याम साधु देखिए कुछ, श्याम साधु ने अपने आप को मिटा दिया है, इसीलिए हम पूरी दुनिया को चैलेंज करते हैं, चाहे जितना बड़ा कोई भी हो हमारे सामने आओ और आके हमें जवाब दे दो, हमें नहीं कुछ चाहिए, सम्मान और रत्न मिल रहा है और वो नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, नोबेल पुरस्कार देने वालों और पाने वालों पहले मानवता की परिभाषा जानो कि मनुष्य की मनुष्यता की पराकाष्ठा क्या है। हुजूर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।